अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ जो कि ईद के हवाले से भी है और सबके घर में गोश्त भी पड़ा होगा, तो आप उसको देख के बहुत आसानी से झटपट सी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने स्टार्टिंग में लिख दी हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आपको लगता है कि आप इसको रख दें और बाकी दूसरा काम करना शुरू करते हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने पहले मटन लिया, फिर प्याज डाला और लहसुन डाला, फिर उसके बाद उसके अंदर घी डाल दिया और फिर उसके बाद मैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी मैंने कौन सी चीज़ें डाली हैं। और ये बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त बनती है, मैं कहती हूँ ये बच्चे भी इसको खा सकते हैं। और जब हम इसके अंदर से बिल्कुल ही फैट जो चर्बी होती है वो थोड़ी थोड़ी ही बिल्कुल रहने दें, ज़्यादा ना रहने दें, तो स्मेल भी नहीं आती। और ये मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए थे, घर के मसाले ही इसके अंदर ऐड करने हैं और आधा जो पैकेट है वो कोरबे मसाले का ऐड करना है। इससे ये होगा इसका टेस्ट ज़बरदस्त सा बन जाएगा और बिल्कुल देगी सा टेस्ट आएगा। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर ये भी ऐड कर सकते हैं और इससे ये होता है कि थोड़ा कम स्पाइसी बनता है, लेकिन कोरबे मसाले से इसके टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। और ना मैंने इसे नमक मिर्च और हल्दी तो डाल दी है और बाकी जो है जब भुनाई करने लगूंगी तब भी मैं इसके अंदर कोरमा मसाले का पैकेट डालूंगी। पानी डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था, अब इसका बाकी का जो ऑयल और पानी दोनों जो है सेपरेट हो गया था। इसको मैं हल्के हल्के हाथों से भुनाई करूंगी, इससे ये होगा कि इसके अंदर जो बोटी है वो अच्छी तरह से टूटेगी नहीं। और हम ज़्यादा ज़्यादा इसके अंदर चम्मच हिलाएँगे तो इसका जो हो सकता है मटन भी टूटने लग जाए। तो अब मैंने इसके अंदर इस पार्ट पर मैं अदरक और टमाटर और जो होता है क्या कहते हैं ये कोरमा मसाला वो डाल के बुनाई करूँगी। और बुनाई इतनी अच्छी तरह से करनी है, इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए, हल्की हाथों से बुनाई करनी है। और ये बहुत ज़बरदस्त बन गया है और ये देखिए आपको कितना ज़बरदस्त लग रहा है, माउथ वाटरिंग है इसकी, बिल्कुल ही बोटी जो है वो मुँह पे जाके घुल जाती है। कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सके, लेकिन मैंने आपको रिकॉर्डिंग में ऐसा जो लिख कर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसको फॉलो कर सकें और आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे और आप इसको ट्राई भी करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।